देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। ये मन की बात का 109वां एपिसोड रहा। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा करते हुए कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा है। देश भर में सामूहिकता की शक्ति देखी गई, जो कि विकसित भारत की संकल्पना के लिए बहुत बड़ा आधार है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं के साथ फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशिया, तिब्बती, बलूची, अरबी, फस्तू, फारसी समेत 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। इसी के तहत अपने पन्ना प्रवास पर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा अल्प प्रवास के लिए पवई पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता रानू जैन के निवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम सुना। वहीं इस मौके पर पवई विधायक प्रहलाद लोधी, जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पवई से संवाददाता अनुप शुक्ला की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात के अंदर जो कहा कि महिला सशक्तिकरण इस देश के अंदर 26 जनवरी गणतंत्र की परेड में भी महिला सशक्तिकरण जो दिखाई दिया परेड में, देश के हमारे सुरक्षा बलों में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाने का काम शुरू किया है, तो साथ में ही देश के अंदर स्वसहायता समूह से लेकर इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत के अभियान में भी महिलाओं की, माताओं बहनों की बड़ी भूमिका देश के अंदर बन रही है।